नहीं करण जी, असी इस बच्चे लिए किनिया मनता मंगिया ने, तुसी इहदे बारे एवे ना कहो। तू तो बहुत लकी है छुटकू, सुपर मॉम तो बेस्ट ने, ते ओ तेरे रियल मॉम ने। तेनू पता है एदा मतलब क्या होया? कीनू? एदा मतलब है तू मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर। छुटकू मतलब तू मेरा भरा है, पहले तो से दोस्त से फिर से पेंट के भरा। नूर दूर रह कर इस कुड़ी तो, जे तू एदे नाल दोबारा गल भी कीती ना तो देख ली। ए मेरी भैन भी है तो दोस्त भी है। ओ केड़ी दोस्त ते केड़ी भैन, जिदे अपने खून ते ना खानदान दा पता है ओ तेरी की लगदी है भला? जे दोबारा एदे नाल खेड़िया जा तू इहनू बुलाया ना तो मेरे तो बुरा कोई नहीं तेनू, चल इत्थों चल। नहीं मैं नहीं किथे जाना नानी बुआ, मैं छुटकू दे नाल खेड़ना है। बुआ जी ए तुसी की कर रहे हो, ए बच्चा है। हाँ ए बच्चा है, मैनू पता है, ते ए बच्चा मेरे खानदान दा खून ते वारिस है, तेरे बच्चे वांग किसे दा पाप नहीं है, चल परे हट। मैं किते भी नहीं जाना है बुआ जी, बच्चा दे दिमाग विच एहो जी गल पौना कोई चंगी गल नहीं हुंदी। नहीं तू परा चल। ਨਿਮਨ ਹੁਸੇ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ? ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ, ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ? फिर किसी ने गल चंगी करन लग रही मां। क्या चाहती मैं? बस प्यार
ते पैसा आई चाहती सी ना मैं कि करण जी नू अपना बना के इस घर ते रानिया वांग राज करा। ते एक सपना सी ना मेरा कि पावनी नू इस घर तो दूर कर देवा, पर वो फिर तो वापस आ गई। ते मेरी हर खुशी मेरा हर सपना मेरे तो खो लिया। हुण ते मैनू ए भी लगन लग पे कि मैं कदे भी उन्हू करण जी दी जिंदगी तो इस घर तो कदे भी दूर नहीं कर पावांगी, कदे भी नहीं। ना मेरी बच्ची, एहो जी कोई गल नहीं, तू मेरी धी है, इस तो वड्डी खुशी वाली गल केड़ी हो सकती है। पहला तू वेखी हौली हौली ना यह गल सबनू समझ आ जानी है कि असी क्यों ते किवें बिछड़े सी। होए तेरे पुलिस अंकल ने भी तो कहा है ना कि वो तेरे पापा ने। फिर हुण जे लाचू पुआ जी तेनू नूर नू नहीं मिलन दे रही है ना, तो तू ना इस दे बारे ज्यादा ना सोच। नूर तेरा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं, तेरा भरा भी है। तू वेखी उन्हें ना छेती तेरे को वापस आ जाना। मैं जानती हाँ माता रानी कि हले मेरी मुश्किल खत्म नहीं हुई, पर मेरा भरोसा है कि जेड़े रास्ते तुसी मैनू पाते उसे रास्ते ते तुसी मैनू मंजिल तक पहुँचा देना है। ते एक ना एक दिन इस घर विच मैनू एक इज्जत वाली थान दवा देनी है। चल मैनू ऐ दस कि अज तू की खाएंगी। जो तुसी बनाओगी मैं खा लवांगी माँ। चल ठीक है, अज असी दोवे मां ती ना कट्ठे कुछ बनाउंदे आ। तुझे के नूर नू वेख, मैं हुणे आउनी आ। पावनी, आखिर समझदी की है तू अपने आप नू? ये जड़ी आदर्श नारी बनन दे तू ड्रामे कर रही है ना, ए मेरे सामने नहीं चलने। पोली जी शकल बना के तू करण जी नू बेवकूफ बना सकती है, उन्हां नू धोखा दे सकती है, मैनू नहीं। सुन गया ना, मैनू नहीं। एक गल दसा मुना, इंसान कोई भी बुरा नहीं होंदा, बुरे इरादे उन्हें बुरा बना देंदे ने। असी एक दूजे नूं तां धोखा दे सकते हैं, पर माता रानी नूं नहीं। वो उत्ते बैठी ना सब वेख रही है। क्यों माँ, माता चितपुनी ने सब कुछ ठीक कर देने। सच्ची बड़ी समझदार है तू, एहो जे माहौल विच रही ता तेरा बचपन तेरे कोलों खोया जाने। की करा की वे ठीक करा मैं सारा कुछ, हुण तक भी तू कल्ली रहिंदी आई है, हुण ता तेरी ते प्यार दी बरसात होनी चाहीदी। कुछ नहीं पुत्र, तू सही कह रही है, माता चिंतपुर्णी ने ना सब कुछ ठीक कर देना। मैं भी तो तेनू उन्हां कोलों किन्ना मंगया सी ना, ता वेख ले तू अपने आप ही मेरे सामने चली आई। माता रानी हमेशा साड़ी सुनदी है ते अग्गे भी सुनूगी। पक्का सुनूगी माँ, पक्का सुनूगी। एक माँ अपने बच्चे नू कदी भी दुखी नहीं वेख सकती।
सब ठीक हो जाएगा। लो करण जी। ना पागली, आज से तू अपने हाथ नाली मेनू खवाएगी तभी मैं खावांगा। की वेख रहे हो करण जी? तेनु मेरी पावनी नु। पावनी एना पला नु मैं बड़ा मिस किता है। पावनी अलमारी विच तेरे लिए कुछ सरप्राइज है, जाके देख ले। हाँ। क्या करें जी? एडू खोल के तब एक। पावनी मेरी जिंदगी विच तेरी थां कोई भी नहीं ले सकता। जब तक मैं हाँ अपने आप को कभी भी कल्ला ना समझी। जिवे परछावा एक बंदे का साथ कभी भी नहीं छड़दी, करण पावनी का साथ कदे भी नहीं छड़ सकता। जा पावनी, लोरी सुना के अपनी तीन नूं सवा दे। सारी जिंदगी इन्हीं पलां लई तैनूं तरसते हुए देखे है, आज वो दिन आ गए ने। तुसीं सच्ची बड़े चंगे इंसान हो करण जी। ये सच्ची कोई पुण्य कित्ते होणे जे मैनूं तुहाडे वर्गा जीवन साथी मिलिया है। नहीं पावनी, खुशकिस्मत तां मैं हाँ जिन्हों माता रानी ने तेरी वर्गी करवाली दित्ती है ते छुटकू वर्गी थी। जा। छुटकू की बच्ची रुक तू, देखता की हाल कितना मेरा। खट जा, मैं दस दिया, रुक तू। माता रानी की कृपा नाल ए मेरी लाइफ का सब तो सोहना दिन हो गया। पुत्र नहीं, ती। ती नहीं, पुत। ती। पावनी पुत। नहीं समय, साढ़े कार ता ती जन लोगी। ओ बिल्कुल मेरे वर्गी होएगी, माता रानी दी सच्ची पत। बिल्कुल वैसी है मेरी बच्ची जेहो जेही मैं चाहती सी। एदी आस्था भी ओनी पक्की है जिनी कदे मेरी होया करती सी। मेरी अपनी जान, मेरी ती। किसी भी तरह मैं आ पता लगाना चाहिए है कि आखिर इस वेले करण जी के दिमाग में चल की रहा है। इतने बड़े हंगामे तो बाद जी मैं
थोड़ी जी होर कोशिश करा ते पावनी भी करण जी दे दिमाग चो ही नहीं बल्कि दिल चो भी कट सकती है। आखिर की सोच रहे होने हैं करण जी इस वक्त? मोना मोना तू ठीक ना है? कि चुटकी सच्ची मेरी थी है पापा जी। हाँ पुत्र है। जे अपनी ते इस बच्ची दी भलाई चाहनी है ना तो एक कदम भी अगे ना वधी, समझ गई ना? पहला तो तू अपने पहले घर वाले नु खा गई ते हुण मेरे करन ते एदे बच्चे दे मगर पई है तू डैणे। दुनिया चाहे इधर दी इधर हो जावे, मैं लाजवंती खराना अपने जोंदे जी इहनू ते एदे पाप नु कदे इस घर दे अंदर दाखल नहीं होण देंगी। चलो हावी चंगा है, जनाब कल्ले था मिले। एहो मौका है मोना, आज पता ला ही ले कि तू इना दी जिंदगी विच कित्थे स्टैंड करती है। पता ला मोना कि करण जी कदे पावनी नू छड भी सकते ने या नहीं। क्यों है? वैसे इन्हों कुछ पूछना तो बनता नहीं है, पर यदि तबीयत ठीक नहीं है इंसानियत के नाते तो गल कर ही लेनी चाहिए। क्यों है मोना, सब ठीक तो है ना? तू अवे कल क्यों खड़ी है? तू चंगी तरह जान दी है ना, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है तेन ज्यादा तो ज्यादा आराम करने की लोड़ है। जे इन्नी देर तक तू जगती रहेगी तो फिर बच्चा भी आराम नहीं कर सकता ना। जानती है करण जी, पर मैं भी की करा, अचानक ना मैनू कला कला जहा महसूस हो रहा सी, पर ये चंगी गल हुई कि तुसी मैनू इत्थे ही मिल गए। क्यों? ओ करण जी, मैं ना तुहाडे नाल एक गल करना चाहुंदी सी। मेरे नाल की गल करनी है तैनू मोना? जो कुछ भी घर विच होया मैं ओदे बारे गल करना चाहुंदी सी। उस गल बारे ते साडे विचकार कोई गल ही नहीं हुई। तुसी भी आही सोच रहे होवोगे ना कि मैं तुहाडी वाइफ नाल बहुत बुरा किया। असल विच ना मैनू जदों पावनी दी दे सच बारे पता चलिया सी ना ते मैं आप बहुत हैरान हो गई सी। मैं ते कदे सोच भी नहीं सकदी सी कि इन्ने पोले पाले चेहरे दे पिछे इन्ने ज़्यादा राज लुके हुए ने। मैनू लग्या सी कि तुहानू कुछ भी नहीं पता, मैं ते बस तुहानू सच दसना चाहुंदी सी ते बस उस... बस बस मोना, सच की है ते झूठ की है एदे बारे सोचण दी तैनू कोई लोड़ नहीं है। पावनी मेरी वाइफ है, ए चंगी तरह याद रखी। आखिर चल की रहा है इन्हां दे दिमाग विच, ये खुल के बोलते क्यों नहीं मैनू? मैं बस यही कहंगा मोना कि पावनी मेरी वाइफ है ते ओदे खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकता। तेरे लिए यही चंगा होना है कि तू अपनी लिमिट विच रहे। जे यह मेरा ते पावनी दा बच्चा ना जम रही होंदी ते मैं इनू एक पल भी होर ना सहंदा। जदों दी साडी जिंदगी विच आई है मेरी पावनी ने चैन नाल सो के नहीं वेख्या। कुड़िए तू इत्थे की कर रही है? भला कोई इस हालत च भी काम करदा हुंदा? वो भी रसोई च इन्नी गर्मी च। कुछ नहीं होया मेरी हालत नूं पुआ जी, मैं ठीक हां। वैसे भी इन्ना क ते मैं कर ही सकदी हां ना अपने लिए। ना ओ मां रानी उठी नहीं हाले तक, किथे आ वो? कौन, पावनी दीदी? नहीं पुआ जी, हले किथे उठे हो? आहो पुत्र, ओनू केड़ा को कहण सुनण वाला, अपनियां मनमर्जियां करदी है।
ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, 7 ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਬੁੱਢੀ ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਊਗੀ।